इम्पोर्टेंट जॉब और अर्जेंट जॉब, इसमें लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ताइए आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है। क्या होता है कि लोगों को इम्पोर्टेंट जॉब कौन से और अर्जेंट जॉब कौन से इसमें समझता नहीं, और ये बहुत मतलब वियर्ड बात है ना, दुख की बात है। कोई भी जॉब यदि इम्पोर्टेंट है और वो आप करते नहीं हो तो वो अर्जेंट हो जाएगा और फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमको काम करना है दिन भर में या अपने लाइफ में, उसमें इम्पोर्टेंट जॉब कौन से, महत्व के कौन से हैं। और महत्व के जॉब यदि है तो महत्व के जॉब को हम पहले करते रहते हैं या पहले करेंगे तो वो अर्जेंट होंगे नहीं। फिर सवाल आता है कि इम्पोर्टेंट जॉब है कौन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरा दांत थोड़ा सा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा है, मामूली सा है, अभी मैं उसके तरफ ख्याल देता नहीं हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट बात है कि मेरा दांत थोड़ा दर्द कर रहा है, मैंने ख्याल नहीं दिया, क्या हो जाएगा कि दो दिन में वो अर्जेंट काम हो जाएगा, इतना दर्द करेगा कि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। उस दिन वो इतना अर्जेंट हो जाएगा कि बाकी सब काम मेरे को छोड़ के डॉक्टर के पास जाके वो दांत को ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करना। यदि इम्पॉर्टेंट काम जो एक्सरसाइज करने का है वो मैं करता नहीं हूँ और मेरे को उसके लिए टाइम नहीं है, तो फिर क्या होगा, टाइम नहीं ऐसा करूँगा मैं। इम्पॉर्टेंट जॉब है एक्सरसाइज करना, फिट रखना, वो मैं कर नहीं रहा हूँ। एक दिन अटैक आ जाएगा ना, एक दिन कोई बीमारी आ जाएगी, जब डॉक्टर बोलेगा कि नहीं अभी आपको आपको एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, वो मॉर्निंग वॉक के बदले भी मॉर्निंग वॉक करना ही पड़ेगा। अभी वो वार्निंग हो जाएंगे डॉक्टर की तरफ से, अभी हो गया वो वार्निंग एक्सरसाइज, तो मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं, अभी वार्निंग एक्सरसाइज हो जाएगी, कंपलसरी करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, रोज एक्सरसाइज करना। अर्जेंट क्या हो जाएगा, रोज एक्सरसाइज करना। अभी अर्जेंट हो गया, आपकी गाड़ी खराब हो गई, उस दिन अर्जेंट आपको डॉक्टर अपना मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई तो। मगर गाड़ी खराब होने के पहले आपने ये देखा नहीं कि उसको मैंने सर्विसिंग नहीं किया, उसकी बराबर रिपेयरिंग नहीं किया, जो भी आवाज़ आ रही थी उसके तरफ देखा नहीं, चलाया वैसे, और फिर एक दिन गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में बंद पड़ गई, अभी वो हो गई अर्जेंट। वहाँ से हमारा टाइम का गणित बिगड़ जाता है। यदि बच्चों के तरफ ख्याल देना, बच्चों का पालन पोषण बराबर करना, बच्चों के स्कूल में जाना, वो स्कूल में बराबर कर रहे कि नहीं, पढ़ाई कर रहे कि नहीं, वो देखना, ये इम्पॉर्टेंट है, हम वो करते नहीं है। और यदि वो इम्पॉर्टेंट हम करेंगे नहीं तो एक दिन फिर स्कूल से आपको लेटर आएगा या जवाब आएगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी अर्जेंटली मिलो, क्योंकि आपका लड़का पिछले एक महीने से स्कूल में नहीं आ रहा है, आपको मालूम ही नहीं, अभी वो अर्जेंट हो गया स्कूल में जाना। तो यदि वो इम्पॉर्टेंट समझ के आप करते हैं तो फिर आपको अर्जेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इलेक्ट्रिक बिल हो, टेलीफोन बिल हो, कोई भी बिल आपको भरने के है, टैक्सेस है, जो भी है, सभी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो आपने क्या करना है कि कोई भी जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क है आपके, उसके सामने तारीख डालो, उसके सामने समय डालो, और वो तारीख पे, वो समय पे, वो इम्पॉर्टेंट जॉब करने का है। इम्पॉर्टेंट जॉब टाइम पे नहीं करेंगे तो अर्जेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और एक बताता हूँ एग्जाम्पल, कि समझो अभी अपनी खुद का चेकअप करने का है। अब खुद का चेकअप करना जरूरी है, ब्लड टेस्ट करना, खुद का चेकअप करना जरूरी है, अभी वो इम्पॉर्टेंट है, हमने वाला टाइम नहीं है, अभी हम करते नहीं है। एक दिन अटैक आ जाएगा, एक दिन डायबिटीज़ निकलेगा, एक दिन ब्लड प्रेशर निकलेगा, और बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। उसके पहले ही यदि वो हम इम्पॉर्टेंट है करके हम चेक कर लेते हैं, समय पर ही मालूम पड़ेगा कि अपने को कोई बीमारी है क्या, उसका इलाज वहाँ के वहीं हो जाएगा। तो हमने पूरी आज, आप एक काम करना है, आप ये वीडियो देखने के बाद में रुको, देखो कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट मेरे लाइफ में है, और जो भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जो करना चाहिए, जिसके लिए मैंने शब्द देके रखा हुआ है, वो काम इम्पॉर्टेंट करूँगा, वो समय पे करूँगा, और वो यदि समय पे नहीं करूँगा तो उसका फटका मुझे बैठने वाला है, वो काम अर्जेंट हो जाएगा। तो जो भी काम आप इम्पॉर्टेंट है वो करते नहीं है, आप समझ लो कि अर्जेंट हो जाएंगे, उसका फटका बैठेगा, उस दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो लोगों को आप शेयर करो, जितने ग्रुप हैं आपके उसमें शेयर करो, फेसबुक के ऊपर शेयर करो, आपको अच्छा लगा उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हमारा जो मकसद है ना, वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आप ये शेयरिंग करेंगे तो लोगों को मालूम हो जाएंगे, लोगों का एजुकेशन हो जाएगा, आपका हाथ इसमें लग जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।